29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. जिंदगी की परेशानियों से दूर दिन की शुरुआत में सुबह सुबह अपना पार्सल एक्सेप्ट करना एक अलग खुशी देता है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो आज का दिन हमारा पूरा पैक्ड है और इसमें मेरी तीन चीज़ें इंक्लूड है। फर्स्ट ट्रेनिंग, दूसरा ट्रैवल, तीसरा मैं। उससे पहले लेट मी शो यू समथिंग। ये होली शिट, वी गॉट 2K सब्सक्राइबर्स। मेरी कभी इमेजिनेशन में भी नहीं आया कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स मेरी पहली वीडियो से हो जाएंगे। इट्स जस्ट क्रेजी, सो फकिंग क्रेजी। सो आई कांट एक्सप्लेन हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ। सो हेलो टू ऑल ऑफ द न्यू फेसेस वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। आप सभी लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो पे मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतने सारे कमेंट्स एंड पर्सनली इंस्टा पर भी DMs। सो आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में सुबह बारिश और दोपहर में धूप, हमें मौसम विभाग से कोई कंप्लेंट नहीं है। हम इस मौसम का मज़ा लेते हुए बनाते हैं प्री वर्कआउट अपना और फिर आप लोगों से मिलते हैं जिम में। तो डेली बेसिस पे मैं अपना प्री 10 से 15 मिनट पहले बना लेता हूँ ताकि जब हम जिम पहुँचे और अपना वार्म अप स्टार्ट करें तो हमें प्री अच्छे से हिट करे और हम अपना वर्कआउट इंटेंस तरीके से लगा पाएं। तो मैं जब भी अपने रूम से बाहर निकलता हूँ मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, वो है ये पुलअप बार। तो जब भी कभी मन होता है मैं इस पर एप्स लगाने लग जाता हूँ, या फिर पुलअप्स या फिर चिनअप्स। एंड बाय द वे, आज की धूप को चुम्मेश्वरी, लेट्स गो। तो मेरे जिम के टेरेस पे इतनी प्यारी धूप आती है कि वहाँ पे स्ट्रेचिंग और वार्म अप करने में जो मज़ा आता है ना, अलग। तो आज का वर्कआउट हमारा बैक एंड बाइसेप्स है, तो लेट्स स्टार्ट। डोंट टेस्ट मी, यू डोंट इंप्रेस मी, सो डोंट टेस्ट मी, नॉट सो डोंट टेस्ट मी, नॉट डोंट टेस्ट मी, यो You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Yo, they wouldn't let me. Nah. Man's gal when I come undress me. Spring with the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal when I come undress me. Spring with the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me, nah. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. You don't impress me. So don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Undress me, swing with the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Don't test me. They wouldn't let me. Man's gal when I come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Nah. They wouldn't let me. Man's gal when I come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal when I come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. तो आज का वर्कआउट बैक एंड बाइसेप्स का था। वर्कआउट डन, तो अभी चलते हैं घर और फिर करते हैं कुछ बातें। तो अब बात करते हैं ट्रैवल की, प्रोटीन को ख़त्म करते हैं और कहानी को शुरू करते हैं।
तो इस जगह की खास बात यह है, यह जानी जाती है अपनी पतली गलियों से, बिजी मार्केट और फेमस स्ट्रीट फूड्स और यहाँ के ऐतिहासिक पुराने मोन्यूमेंट्स। और ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है, फुल पैक्ड ऑफ पीपल एंड रिक्शास। और यहाँ की जगह, स्मेल और साउंड्स फील डिफरेंट। अब तक आप जान ही गए होंगे मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। सो वेलकम टू ओल्ड दिल्ली दोस्त, वेलकम टू ओल्ड दिल्ली। वेलकम, बोलो वेलकम। वेलकम वेलकम। अगर आप दिल्ली से हैं या आउट ऑफ दिल्ली किसी भी स्टेट से, आपको अच्छे से पता होगा अबाउट न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। बट देर इज अनदर साइड ऑफ न्यू दिल्ली जहाँ जाना एब्सोल्युटली वर्थ है, जिसका नाम है ओल्ड दिल्ली, बिकॉज ये हमारी दिल्ली का बहुत ऐतिहासिक हिस्सा है। अब मैं आपको यहाँ पे पूरी कहानी नहीं बताने वाला कि ओल्ड दिल्ली कहाँ से आया, इसकी स्थापना कब हुई और इसका नाम ओल्ड दिल्ली ही क्यों है। बाकी आप लोगों को पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी ओल्ड दिल्ली के बारे में यूट्यूब पर, या फिर आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। बाकी हम केवल वहाँ जा रहे हैं अपनी कुछ तस्वीरें लेने और ओल्ड दिल्ली की कुछ प्यारी सी वीडियो बनाने। तो वीडियो शुरू करते हैं, 3, 2, 1। तो आज मेरे साथ वेदांत जुड़ा हुआ है और हम ओल्ड दिल्ली आए हैं और हमने आज एक स्पॉट सर्च करा है यहाँ पे और ढूंढा है, बड़ी मुश्किल से घबराते हुए ऊपर आए हैं। तो सामने जामा मस्जिद है और ये पूरा व्यू है ओल्ड दिल्ली में। तो भाई ड्रोन उड़ाया जाए, उड़ा देते हैं यार, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। लाली लगा के सजनी, टी को सजा के सजनी। इसीलिए हम ड्रोन नहीं उड़ा रहे थे, ड्रोन उतार लिया है हमने, अभी नहीं उड़ा रहे, उतार लेते हैं वेदांत। हमने ड्रोन नीचे उतार लिया क्योंकि ईगल्स अटैक कर रही थी हमारे ड्रोन पे और कबूतर भी बहुत सारे उड़ रहे हैं, तो हम नहीं चाहते किसी को लग जाए क्योंकि इसके विंग्स बहुत तेज चलते हैं। गाइस बहुत सारे मंकीज हैं इधर, मेरे को डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ नीचे लैंड से। तो अभी ड्रोन का तो पता नहीं, मंकी बहुत सारे हैं, स्पॉट से खटक लेते हैं। बहुत डरावना है यहाँ पे स्पॉट। क्या होता है हमारे ओल्ड दिल्ली में, दिल्ली 6 में पतंगबाजी और कबूतरबाजी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप यहाँ पे कभी आओगे तो आपको हर जगह बस एक ही आवाज़ सुनाई देगी, कबूतरों की और पतंग की। सैटरडे संडे यहाँ से पतंगें उड़ती हैं। तो ये वो जगह है और अभी चलते हैं घर। देने पहुँचा दोगे भैया? भैया पहुँचा देंगे जल्दी, बैठने तो दो। अरे रुको, हम बैठ गए ऑटो में और बहुत ही झटके आ रहे हैं, हमारी अंतड़ियां हिल गई अंदर की सारी। ये तो होना ऐसे ही बात है, ये चांदनी चौक आया तो ये तो होना है भाई। तो मैं अभी आ गया हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट मस्जिद इन इंडिया, जामा मस्जिद मेरे बैक साइड है और हम वहाँ का भी और दिन चलेंगे, अभी चलते हैं घर। सो बात करते हैं इस वीडियो के मुख्य किरदार की, यानी कि मेरी। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम 2019 एज अ फोटोग्राफर और 2019 से लेकर 24 तक की जर्नी मुझे हमेशा याद रहेगी और 2024 तो अभी शुरू ही हुआ है। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, जब सपने होते सच तब मज़ा आता सोने में। सो गाइज आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो इसे एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट जरूर छोड़ना कि हम वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीस।